हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 से मिनरल्स एंड द पावर रिसोर्सेज। पहली बात तो ये है कि मिनरल्स हमेशा आपको नेचुरली मिल जा सकते हैं या फिर किसी भी केमिकल या फिर किसी भी ऐसे केमिकल रिएक्शन या कंपाउंडिंग से कारण आपको जो कुछ भी मिनरल्स या फिर नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं उसको भी हम लोग मिनरल्स के कैटेगरी में एड ऑन करते हैं। दूसरी चीज़ कि मिनरल्स अगर आपको एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं तो हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन या फिर उसको नेचुरली बनाया गया हुआ है या फिर नेचुरली उसकी उस जगह से वो चीज़ निकल रही है। दूसरी चीज़ एक और कंडीशन हो सकती है कि रॉक फॉर्मेशन, मतलब कि आज से सालों पहले उसका उद्भव हुआ था और सालों के बाद उन चीज़ों में से आज उन चीज़ों को निर्माण के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ कि मिनरल्स हमेशा अपनी आइडेंटिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। आपको मिनरल्स होंगे ना वो आपको आप अपनी आँख से उनको देख सकते हो, ऐसे नहीं होंगे कोई मिनरल्स जिनको आप नहीं देख सकते। जो कुछ भी मिनरल्स होंगे ना तो उनको आप अपनी नेकेड आँख से उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, उनको छू भी सकते हो, एटलास्ट फिर महसूस भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप के मिनरल्स हैं। ओके। दूसरी चीज़ कि मिनरल्स आपके दो टाइप्स के आते हैं, कौन से, मेटालिक और नॉन मेटालिक्स। अब जो आपके मेटालिक्स मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो निकल, कॉपर, आयरन ओर्स या फिर इग्निशियम्स कह लो या मेटामॉर्फिक रॉक्स कह लो। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं अगर वो जानना है तो मैंने 7th क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको डिटेल में, अगर पता होगा मेरे को पूरा एकदम लंबा सा चार्ट था वो मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होती है, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। तो एग्जैक्टली जो वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसको हम कहते हैं मेटालिक रॉक। क्लियर। उसके बाद आपका आता है नॉन मेटालिक मटेरियल, जिसके अंदर आपका लाइम स्टोन मिनरल्स फ्यूल्स, जिसके अंदर आपका हमेशा मिनरल्स फ्यूल्स मतलब आपको समझ लो कि ऐसी रॉक्स जिसके अंदर आपका पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह सब वो प्रीशियस करके उसमें पड़ा होते हैं और ये हमेशा आपके यंग फोल्ड माउंटेंस होते हैं जो बहुत साल पुराने नहीं होते, इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। ओके। दूसरी चीज़ कि मिनरल्स हर एक देश के लिए, हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अगर आपको वो डिटेल में पता है तो वो डिटेल्स में आपको इतनी भी जानकारी मिल जाएगी कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और रशिया कहना कि चाहता है कि उसके ऊपर कब्जा करना। ठीक है। अब जो इन्वेजन होना, कब्जा करना, लोगों को मार काट करना वो हमारा विषय नहीं है। अपना विषय क्या है, जो चैप्टर को पढ़ रहे हो ना उस चैप्टर से उसमें कोई रिलेटेबल कंटेंट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि भाई रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया हुआ है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल कंपाउंड्स हैं, फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हर एक कंट्री अपने आप को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए उसके पास वो मिनरल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड्स होती है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा मिनरल है जो हम लोग बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं? ठीक है, ऐसा कोई एक मटेरियल बताओ जिसकी मात्रा हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की है, और एक ऐसी चीज़ बताओ जिसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी बट लास्ट में जाके वो इंडिया के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब खुलने वाला है और उसका मैन्युफैक्चरिंग हब खुल चुका है। ठीक है, ये बता देता हूँ कि वो आपके फ़ोन से रिलेटेबल चीज़ है। क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं पावर और एनर्जी में। देखो जो आपको साइड में एक फ़ोटो दिख रहा है ना, इसके ऊपर से आपको बहुत आइडिया आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सोर्स ऑफ द एनर्जीज, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कमर्शियल में आपको कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी आपका आ जाएगा, और नॉन कमर्शियल में आपका फायर, वुड एंड स्टेन और ड्रिंक्स आ जाएगा। आपको जो नॉन कमर्शियल है उसमें आपका बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ट्रेबल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द अर्बन वेस्ट मतलब बायोगैस, ये सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी, आपकी नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगी। अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ समझाता हूँ। जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी है ना वो आपकी नेचुरली मिलती है, और जो आपकी नॉन कन्वेंशनल है इसको हम बनाते हैं। ये जितनी आपको दिख रही है ना बायो, सोलर, विंड, ट्रेनल, ये सारी की सारी ह्यूमन मेड्स हैं, इंसानों के द्वारा बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ अब जो आपको मैं बताऊँगा ना वो इस पेज पर नहीं है, अब आपके अगले 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 और इस पेज के ऊपर आएगा। देखो अब ये वाला पेज समझ रहे हो। अब देखो इसके अंदर आपको जितनी चीज़ें दी ना ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंड है। फिर आपका आता है हाइड्रोलिक पावर, आपको मैं फोटो की मदद से समझाने वाला हूँ। इनसाइड ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट किसे कहते हैं? इतना समझो कि हाइड्रो पावर प्लांट इस तरीके से होता है कि यहाँ से पानी को स्टोर रखा जाता है, पानी यहाँ पर स्टोर रहा, ये रिजर्वेशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्लॉक रखा जाता है कि पानी यहाँ तक अलग लेवल तक स्टेबल रहे। जब पानी और अपने ओवरफ्लो से निकलता है तब वो डैम तक पहुँचता है।
ठीक है, अगर वो डैम तक पहुंच गया तो ठीक है, अगर डैम तक नहीं पहुंच पा रहा है और पानी लिमिटेड है, बारिश वगैरह नहीं आई और पानी लिमिटेड है, तो उसके पास उसके लिए नीचे अलग से यहाँ पे स्टॉक रखा होता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो पानी यहाँ पे स्टोर है, तो जितनी फोर्स से जाएगा तो यहाँ पे टर्बाइन लगाए, समझ रहे हो, ये टर्बाइन है, वो जितनी फोर्स से पानी जाएगा उतनी फोर्स से टर्बाइन घूमेगा। जैसे ही टर्बाइन घूमेगा यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई और वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी और वो पावर हाउस के अंदर स्वयं से हो जाएगी। क्लियर, इतना चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि वो पानी जो घूम रहा है वो नीचे से होता हुआ वापस अपने फ्लो में निकल जाएगा। मतलब नदी सिंपल थी, नदी यहाँ से यहाँ तक नदी ज्वाइन थी, उनके बीच में इस प्लांट को बनाया गया, इस प्लांट के मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया और इस इलेक्ट्रिसिटी ने आज हमको पावर सप्लाई मिलती है। याद रखना, आपकी ज़िंदगी में आप एयर और इलेक्ट्रिसिटी, इन दो के बिना आपकी लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी और एयर के बिना। अब एयर देखो, एक एयर एयर छोड़ दो कि एयर फर्स्ट थिंग है, पर आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इन दो के बिना तो आप अपनी ज़िंदगी को महसूस भी नहीं कर सकते हो। क्लियर, कि वाटर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके, तो समझ में आ गया आपको हाइड्रो पावर प्लांट किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ किया जाता है। वहाँ से पानी आया, उसको ओपन किया गया, ये कंट्रोल गेट को ओपन किया, ओपन से गेट से सीधा पानी एकदम फोर्सफुली निकलता है और इतना फोर्स से निकलता है कि वो टर्बाइन को बहुत हाई पावर पे घुमाता है और वहाँ से ऊपर आते हुए जनरेटर के अंदर बिजली जनरेट होती है, ट्रांसफॉर्मर में उसकी स्टोरेज की जाती है, फिर पावर हाउस के थ्रू उसको पावर लाइन तक सप्लाई किया जाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में। अब सोलर एनर्जी के बारे में आपको इतना आइडिया आ चुका होगा, आजकल तो सोलर एनर्जी आप सबके घर पे भी लग चुकी होंगी, अगर नहीं लगी हो तो लगा लेना, बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। और सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आती है कई बार, तो उसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए कि आपके भी घर में आप बिजली का बिल थोड़ा सा कम आएगा और आपको कहना रियल यूज़ ऑफ मनी आप उसमें कर सकते हो इनडायरेक्टली। होता क्या है, ये सूरज है ऊपर, पहली चीज़ तो वन बाय वन लिखा हुआ है तो वन बाय वन समझो। पहली चीज़ है सूरज की रेयाई, ठीक है, तो जो आपको घर के ऊपर लगी है ना, ये सोलर प्लांट्स होते हैं। इस प्लांट्स के ऊपर आप जब जैसे सूरज की किरण पड़ती है गर्म होते हैं, ये गर्म होते हैं तो हीट जनरेट करते हैं और हीट जनरेट कराने ये लोग एक अपने अंदर एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड्स को इन्वेंट करते हैं और वो सीधा रहता है इन्वर्टर के अंदर। क्लियर, अब वो इन्वर्टर से आपको दो चीज़ें बन सकती, या तो उस इन्वर्टर से सीधा का सीधा आप मीटर के थ्रू गवर्नमेंट को बेच दो, या फिर आप कमर्शियल यूज़ के लिए आप खुद को यूज़ कर लो, या फिर आप थोड़ा अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कर लो, या फिर आप किसी भी एक एक्स्ट्रा डीलर को, मतलब जो इंसान बहुत बड़ी फैक्ट्री को रन कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा तो बेसिकली इतना कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है, मतलब जितनी बिजली मैं बना रहा हूँ उससे उसके उसके सामने मेरे घर के अंदर उसकी इतनी यूजेस नहीं है। सपोज़ आप इमेजिन करो कि आपको 10 वोल्ट की बिजली चाहिए पूरे महीने में और आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो 20 वोल्ट की, ठीक है, तो आप 10 वोल्ट तो आपकी हो गई कि आपने बचा ली, जो आपकी 10 वोल्ट बची हुई है आप या तो उसको गवर्नमेंट अपने रेट पर खरीदेगी या फिर कोई उसको उस जो आपकी 10 जो 10 वोल्ट आपको जो 10 यूनिट की जो बची पड़ी है उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी, कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसके आसपास में फैक्ट्री है वो वहाँ तक आपके घर तक लाइन बिछाएगा और वो आपको बोलेगा कि भाई मैं सरकार से 7 रुपये में बिजली ले रहा हूँ, तू मेरे को 3 रुपये में दे दे या फिर 4 रुपये में दे दे या फिर 5 रुपये में दे दे, समझ रहे हो, तो वो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा और आप भी किसी ना किसी को दे रहे हो तो सरकार से भी आप 2 रुपये ज़्यादा उसको किसी को बेच रहे हो, समझ, तो ये चीज़ें चलती हैं सोलर प्लांट्स के अंदर। आगे बात करते हैं आपकी विंड एनर्जी के बारे में। बहुत सुना है अपने इसके बारे में, बड़े बड़े खंभे लगा रखे होते हैं और ये विंड टर्बाइन्स घूमती रहती हैं और ये सारा का सारा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। याद रखना, विंड टर्बाइन्स को लगाने के लिए आपको प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर एयर कंडीशंस कंपलसरी है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपका मन करे और आप वहाँ लगा दो, नहीं, विंड टर्बाइन्स बहुत बड़े होते हैं और लिटरली वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, आपके मेरी हाइट से तो बहुत लंबे होते हैं और उसके एक एक विंग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, समझो, बट हाँ विंड टर्बाइन्स एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो नेचुरली चलते हैं और हवा के प्रभाव में चलते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि समुद्र के किनारे या फिर समुद्र के आसपास के 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर आपको विंड टर्बाइन्स
बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर किसी ऐसी लेक के आसपास के आपके आपको विंड टर्बाइन बहुत देखने को मिलेंगे जहाँ की विंड रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल चलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, इन वर्ल्ड मैप्स के अंदर एक चीज़ को एग्जिस्टली समझाया जाता है कि विंड टर्बाइंस को उस जगह लगाया जाएगा कि जहाँ पे हवा का प्रेशर या फिर हवा रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती है, तभी वो इंसान उस चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, वरना तो उसके पास सारा सारा बेफालतू का पड़ा होगा। मतलब उसके ऊपर आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा और उसका आप उसकी कोई वैल्यू नहीं कर पाओगे। आप आगे बात करते हैं, हम लोग जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका है न्यूक्लियर। देखो आप, ये आगे आपका न्यूक्लियर प्लांट जो ये है ना, आपको ये दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लांट में दो चीज़ें चलती हैं। पहली चीज़ चलती है कि आप उसके अंदर आपको कोलसा डाला जाता है, रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स डाले जाते हैं, उस रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स के थ्रू इंजीनियर्स और बहुत सारे लोग मदद के रूप में से उसको इंजन में से, उसके रूम में से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को हम लोग बाहर डालते हैं, उसको कूलिंग सर्किट के अंदर उसको ठंडा करते हैं और वहाँ से वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सीधा जाता है, सीधा आपके मेन बोर्ड तक। एक बात याद रखनी है आपको कि मेन बोर्ड तक जाने तक और वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने तक, देखो आपको मैं फिर से समझाता हूँ, आपको हो सकता है कन्फ्यूज़ हो चुके हो। पहली बात कि प्राइमरी सर्किट होता क्या है कि दो न्यूक्लियर्स को बहुत ज़्यादा रेडियोली या बहुत ज़्यादा हीटअपली उन दोनों को एक साथ मिक्स किया जाता है और दोनों को तहस नहस कर दिया जाता है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, उस एनर्जी को रखा जाता था इंजन रूम्स के अंदर। अब उस इंजन रूम की एक चीज़ होती थी कि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्सिफाई कर सकती थी अलग 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 पोर्शंस के अंदर, बट जो हीट वहाँ से प्रोड्यूस हुई है, जो आपके मेन प्राइमरी सर्किट से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, उसका क्या करने का, तो उसको फिर लेते जाते थे कोल्ड सर्किट के अंदर, वहाँ पे उसको ठंडा किया और उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, जो बचा उसको इंजन रूम से डायरेक्ट सप्लाई किया शहरों तक। तो आपके न्यूक्लियर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा लोग अभी कम करना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसके कारण ये आपका वाटर पॉल्यूशन या फिर कह लो कि एयर पॉल्यूशन हद से ज़्यादा होता है, समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं हमारा जो कि आपका थर्मल एनर्जी है, कौन सी है, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी आपकी ज़मीन के नीचे से आपको कह सकते हैं वाटर वेपर्स को उठाना और उसको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से, तो इन दोनों की जो, देखो न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल में क्या डिफरेंस है, दोनों वाटर वेपर्स के ऊपर चलते हैं और दोनों में कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। पहली बात कि जो आपको ये स्ट्रीम दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये स्ट्रीम, ये आपका हॉट वाटर्स को नीचे से उठाता है, ज़मीन से बहुत गहरे से उठाता है, ठीक है, बहुत गहरा होता है, वहाँ से वो तुरंत गर्म पानी उठाता है। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ से पानी उठाया, जैसे हमने अपने हाइड्रो पावर में देखा था कि पानी को ऊपर सक किया, उसको फुल पावर से भेजा तो टर्बाइन से जनरेट होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और डायरेक्ट उसको दे दिया, कहाँ पे, केबल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। अगर वो नहीं किया तो अब जो पानी अंदर बचा हुआ है उस पानी को हम लोग क्या करें, समझ रहे हो आप लोग, कि सपोज़ यहाँ से जो पानी हमने खींच लिया, टर्बाइन तक हो गया, जनरेट भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अब उस पानी क्या करें, अब ये मशीन होती है बहुत बड़ी, तो अब यहाँ से जब पानी ऊपर खींचा गया तो इसको वहाँ से डाला जाता था कूलिंग टाउन्स के अंदर, क्यों, अब इस कूलिंग टाउन्स के अंदर भी इन सब की फैक्ट्रीज लगी होती थी, मतलब ये पानी इसको वो लोग फिर यूज़ करते हैं किसी फैक्ट्री के रीयूज़ के लिए। आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर आपको नॉर्मली हद से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कपड़ों की फैक्ट्री होती है उसके अंदर आपको पानी हद से ज़्यादा चाहिए होता है। तो सरकार ने इस टाइम पे ये इनिशिएटिव भी लिया था कि जब फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके पहले आप ये थर्मल पावर्स एनर्जी को स्टोर करने के लिए या फिर थर्मल पावर एनर्जी को इंस्टॉल करवाओ आसपास में, जिससे क्या होगा क्या कि जो पानी निकल के आ रहा है, जो पानी आप उठा रहे हो, उसका सदुपयोग भी हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो जाएगी और आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी वो सरकार को बेच देना, जिससे सरकार उसको आगे जाकर रीयूज़ कर लेगी किसी के लिए, वो भी कर सकते थे। बट इसमें एक चीज़ का और डिफ़िकल्टी आ रही थी, क्या कि जब पानी को वापस भेजना था तब पानी का वाटर वेज बढ़ता जा रहा था, समझ लो कि पानी का जितना भी वाटर वेजेस था वो बढ़ता जा रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा था इसके कारण। तो इसको लेके सरकार ने मना किया कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी तो बना रहे पर उसके सामने हम लोग किसी और एक नेगेटिव चीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमने इस थर्मल प्लांट को अंदर से हमने फैक्ट्रीज का पूरा क्राइटेरिया को निकाल दिया। अब होता क्या है कि जब जनरेट हुआ, कूलिंग टाउन के अंदर गया, पानी को ठंडा किया गया, वापस से उसको प्रेशर से
याद रखना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्लोली, फुल्ली प्रेशर से उसको पानी को उस लेवल तक वापस भेजा जाता है कि जहाँ से ये स्ट्रीम वापस उसको खींच पाए। क्लियर? तो पानी को वापस भेजा और वापस से वो पूरा प्रोसेस चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, इसी के कारण आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे बात करते हैं हम लोग आपके कौन से टॉपिक आ गया, अब आपका आएगा लगभग बायोडीजल, हाँ बायोगैस, ये वाला देखो, ये आपका बायोगैस। इसके अंदर आपका एरोबिक डिजास्टर मतलब कि लिविंग स्टॉक्स का आपके सामने जितनी आपको चीज़ दिख रही है ना, वेस्टेज वाली, वाटर वेज, फूड वेस्टेज, क्रॉप्स का वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज, एनिमल वेस्ट, सब चीज़ों को इस बड़े से डिब्बे में डाल देता है। ये बड़ा सा डिब्बा होता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो, इतना गर्म होता है, इस हद से ज़्यादा गर्म होता है ये, और ये अपने अंदर सारी चीज़ों को पिघला देता है, सारी चीज़ों को। उसमें से आपकी दो चीज़ें बाहर निकलती हैं, एक होती है आपकी डिस्टेज, जिसमें आपको फर्टिलाइज सॉइल्स, आपकी ऐसी उपजाऊ ज़मीनों के लिए आपको खाद वाद आपको वहाँ से मिल जाता है। दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है आपकी गैसेस। अब गैसेस के अंदर दो चीज़ें आपकी प्रोड्यूस होती है, एक होती है आपकी हीट प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एलपीजी गैस कहते हैं ना हम लोग, कि बायोडीजल गैस लगवा लो तो जो गैस पाइपलाइन होगी ना, जो आपके घर पे आती है ना, वो अलग पाइपलाइन होती है, बायोगैस पाइपलाइन होती है ना, वो अलग पाइपलाइन होती है। उसका प्रेशर को ज़्यादा, इतना ज़्यादा फुल प्रेशर नहीं होता, बट प्रेशर होता है, पर ये एक नेचुरल ही है, समझ लो, ये इसमें आपको कुछ ज़्यादा इतना कुछ माथा कुछ या फिर कह लो इसमें आपको ज़्यादा कुछ इतना करना नहीं पड़ता है, समझ लो। तो ये आपका एक नेचुरल योग है, इसमें आपको हीट मिल जाती है, आप अपना खाना वाना पका सकते हो, दूसरे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। फिर आपका आता है बायोमीथेन, समझो, जो उसमें बायोडीजल की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका गैस भी बन जाता है, जिसके अंदर आपका डीजल भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपका बायोगैस प्लांट चलता है। आगे बात करते हैं हम लोग, आपका लास्ट टॉपिक है वो आपका है कौन सा है, बताए, ये वाला, इसका जो फोटो है ना, ये मैं रखती है, पर ये बहुत नीचे है, इसका अंगे टाइड वाला कांगिया टाइड एनर्जी, ये वाला, ये समझ, टाइड एनर्जी को समझने के लिए आपको इतना समझना कि ये जो हमेशा आपको है ना, ये हमेशा आपको समुद्र के अंदर या तट के किसी पास में मिलेगा, किसी बीच के आपके बहुत करीब पोर्शन में आपको ये देखने को मिल सकता है, बट इनको बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर रखा जाता है पानी के अंदर। क्यों? ये जितने भी आपको ये अंदर देखे ना पंखे, ये तब घूमते हैं जब पानी के अंदर वेव आता है, तभी इसका नाम क्या दिया हमने, टाइड वेव दिया है, कि जैसे ही पानी में वेव्स आई, ये जनरेट होंगे, ये घूमेंगे, जितने घूमेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, और इनका भी एक अलग से स्टोर हाउस, एक अलग से पावर सेविंग का ऑफिस होता है, जिसके अंदर ये पूरी चीज़ों को सेव किया जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनडायरेक्टली आपने एक चीज़ समझी होगी सबके अंदर, कि आपके अंदर ये जितनी भी चीज़ें आपको गोल गोल घूमने वाली है ना, यही मेन चीज़ें हैं हर एक चीज़ के अंदर, चाहे हाइड्रो पावर ले लो, चाहे बायोगैस ले लो, क्योंकि बायोगैस के अंदर भी जहाँ पे आप वेस्टेज को डाल रहे हो, वो उसको हीट तो कर रहा है, पर वो गोल गोल अंदर घूमता है। क्लियर? उसके पहले आप किसी भी को रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स, न्यूक्लियर प्लांट्स को देख लो, उसके अंदर भी जब वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो भी अंदर वो घूमता है, तो घूमने के कारण वाटर वेपर्स ऊपर से निकल जाते हैं और बाकी कुछ चीज़ें बची होती हैं वो अंदर पड़ी रहता है, तो उसके अंदर भी घूमने की चीज़ चाहिए। आपका लास्ट वाला टॉपिक है जो टाइड वाला, इसके अंदर भी आपको घूमने की चीज़ चाहिए ही चाहिए। इनडायरेक्टली अगर आपको घूमने की चीज़ बोला जाए, तो मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये आपके मेन टॉपिक्स थे, समझ रहे हो आप लोग, कौन कौन से हमने कवर किए हैं, सोलर, पहले यहाँ पे हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल पावर, ट्राइड एनर्जी और बायोगैस। तो ये आपके सारे के सारे मैंने आपको पॉइंट्स, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेक्चर लंबा हो चुका है आई थिंक सो, उसके लिए सॉरी, पर आपको मैं डिटेल में बता दें, क्योंकि ये टॉपिक्स नए थे, आपने मोस्ट ऑफ पहले जो वीडियोस देखे होंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 के, वो बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए लेक्चर लंबा हो गया, पर कोई नहीं, अगली बार जब इसके बारे में हम डिटेल में बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम कुछ और बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।